Good morning to everyone, and today welcome to lecture number 7. आज हम सीखेंगे lecture number 7. तो ये आज day 1 आपका complete हो जाएगा, set का day 1 complete हो जाएगा lecture number 7 के अंदर. तो इसके लिए आपको book का page number 86 open करना है. और इसमें क्या आया है, एक conversation आया है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत हैं. एक टीचर जो है वो क्लास में आता है और क्लासरूम में जो स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं, जिनका नाम है मोहन, सरला, जॉन, जेसी, राधा, पिंटू, आसिफ, रेहाना, अनुराग, अनुराधा और प्रमोद, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 11 स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो ये 11 स्टूडेंट्स अपनी पसंद और नापसंद बताएंगे. तो आज की क्लास में आया है आपका कॉन्वर्सेशन, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन आया है. तो कॉन्वर्सेशन ही मकसद है हमारा, सीखना, बातचीत सीखना. तो उसके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है. तो कॉन्वर्सेशन जो है वो है फर्स्ट नंबर का, और जिसका नाम है इन अ क्लासरूम. एक क्लासरूम के अंदर का कॉन्वर्सेशन आया है, एक टीचर और क्लासरूम के अंदर किस तरह की बातचीत है और उसमें किस टॉपिक पे बात हुई है वो देखिए. हमारी पसंद और नापसंद बताना. तो आइए हम हमारी पसंद और नापसंद बताना सीखते हैं, वो इस क्लासरूम की मदद से. इसमें बहुत सारे नए नए सेंटेंस भी हमें सीखने को मिलेंगे, नई नई बातें हमें सीखने को मिलेगी, और किस तरह से बातचीत की जाती है, किस तरह से इंग्लिश कॉन्वर्सेशन किया जाता है, ये इसमें आपको देखने को मिलेगा. तो देखो क्या लिख रखा है. We should try to know and show others what they like and dislike, as well as what we like and dislike. अब देखो इसका मतलब क्या है. We should try to know, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, एंड शो अदर्स, और दूसरों को बताना चाहिए. एक तो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे को बताना चाहिए क्या, कि वॉट दे लाइक एंड डिसलाइक, वे क्या पसंद करते हैं और वे क्या पसंद नहीं करते हैं. लाइक मतलब पसंद करना, डिसलाइक मतलब नापसंद करना. आई डिसलाइक मतलब आई डोंट लाइक. ओके, एज वेल एज, उसके साथ साथ, उसके साथ साथ क्या है, वॉट वी लाइक एंड डिसलाइक, हम क्या पसंद करते हैं और हम क्या पसंद नहीं करते हैं. तो अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कि हमें जानना है या जानने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए कि वे क्या पसंद करते हैं और वे क्या ना पसंद करते हैं. उसके साथ साथ हम क्या पसंद करते हैं, हम क्या ना पसंद करते हैं, ये इस लाइन का मतलब है. ओके, यानी कि हमारी और दूसरों की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में ये पूरी क्लास है. तो देखिए सिचुएशन क्या है. अ टीचर इज एंटरिंग इन अ क्लास, स्टार्ट्स एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स. अब एक नया वर्ड आया, एड्रेसिंग. एड्रेसिंग का मतलब हुआ संबोधित करना, यानी कि बताना या बोलना शुरू कर दिया. किसको, स्टूडेंट को. जो संबोधन होता है ना, संबोधित करना. तो जैसे प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द पब्लिक, इसका मतलब प्रधानमंत्री भी एड्रेस करते हैं किसको, पब्लिक को एड्रेस करते हैं. ठीक है, तो देखिए इसमें कि अ टीचर इज एंटरिंग इन अ क्लास, एक टीचर होता है वो क्लास में एंटर करता है.
एंड स्टार्ट एड्रेसिंग द स्टूडेंट, यहाँ पे एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधित करना, और स्टूडेंट को संबोधित करना शुरू करता है। अब वो क्या कहता है, पहले तो टीचर क्लास में आता है तो सारे स्टूडेंट खड़े होके सीट से, और सभी स्टूडेंट एक सारे स्टूडेंट से एक आवाज़ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसे पहले विश किया जाता है, गुड मॉर्निंग मैम। तो इस तरह से मैम यानी कि जो क्लास में टीचर मेल नहीं है, फीमेल टीचर है, तो गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद वो बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोलते हैं, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, आपका बहुत ही अच्छे से हम गर्वजोशी के साथ स्वागत करते हैं। तो इसके लिए आप भी इस सेंटेंस को लर्न कर लो, जब भी आपके टीचर क्लास के में इंटर करें तो आपको खड़े होके और ये चीज़ बोलनी है, गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। क्या बोलेंगे, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, इसका मतलब आपका बहुत ही अच्छे से हम स्वागत करते हैं, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। तो फिर स्टूडेंट्स सभी ने मिलके बोला है कि गुड मॉर्निंग मैम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, मैम आपका बहुत ही अच्छे से हम स्वागत करते हैं। तो फिर टीचर क्या कहती है, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब सभी को अलग अलग तो नहीं बोलते, तो इन्होंने सभी को एक साथ के लिए क्या बोल दिया, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टू ऑल मतलब सभी, उस क्लास में जितने भी थे उन सबको एक साथ गुड मॉर्निंग विश, गुड मॉर्निंग रिटर्न में उन्होंने वापस रेस्पॉन्स या रिएक्शन दे दिया, गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर टीचर कहती है, टुडे वी वुड लाइक टू शेयर विथ ईच अदर आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आज देखो, पहले उस पूरे सेंटेंस को पढ़ लेते, टीचर का पूरा क्या कहना है। टीचर कहती है, गुड मॉर्निंग टू ऑल, टुडे वी वुड लाइक टू शेयर विथ ईच अदर आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आर यू रेडी, एवरी स्टूडेंट विल स्टैंड अप एंड टेल हीज और हर नेम फर्स्ट, आफ्टर दैट ही और शी विल टेल अस वॉट ही और शी लाइक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मोहन, लेट्स नो वॉट डू यू लाइक। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो टीचर कहती है, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबको पहले उसने गुड मॉर्निंग किया, फिर उसने एक सेंटेंस यूज़ किया, टुडे वी वुड लाइक टू शेयर विथ ईच अदर आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। पहले इस लाइन का मतलब समझो, टुडे का मतलब होता है आज, वी वुड लाइक टू शेयर, हम शेयर करना चाहेंगे, शेयर मतलब बांटना, आदान प्रदान करना, एक दूसरे को बताना, शेयर करना या देना। तो वी वुड लाइक टू शेयर यानी कि वुड यानी फ्यूचरिटी के लिए यूज़ हुआ है, तो वी वुड लाइक टू शेयर विथ ईच अदर, हम हर एक के साथ शेयर करना चाहेंगे। अब क्या शेयर करना चाहेंगे, वो यहाँ पे हैं, और लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारी पसंद और हमारी नापसंद, यानी कि हम क्या पसंद करते हैं और हम क्या पसंद नहीं करते हैं। तो सिंपल से इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आज हम शेयर करना चाहेंगे हर एक के साथ हमारी पसंद और नापसंद, यानी कि हम हर एक के साथ हमारी पसंद और नापसंद शेयर करेंगे, ये मतलब है इसका। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, या आप तैयार हैं क्या, इस तरह का सेंस। अब मैम ने एक कंडीशन रखी यहाँ पे, एवरी स्टूडेंट, हर एक छात्र, हर एक छात्र मतलब कोई छूट नहीं रहा उसमें से, एवरी स्टूडेंट विल स्टैंड अप, स्टैंड अप मतलब खड़ा होगा, एवरी स्टूडेंट विल स्टैंड अप, हर एक छात्र खड़ा होगा, एंड टेल हीज और हर नेम फर्स्ट, अगर वो लड़का है तो हीज और लड़की है तो हर। अब सबसे पहले तो हर एक छात्र खड़ा होगा और पहले उसका नाम बताएगा या उसका नाम बताएगी। ओके, आफ्टर दैट मतलब होता है उसके बाद, उसके बाद क्या करना है। पहली कंडीशन तो क्या रखी, सबसे पहले हर एक छात्र खड़ा होगा, जिसका भी नंबर आएगा वो सब खड़ा होगा, और फिर उसके बाद वो लड़का हो या लड़की हो सबसे पहले अपना नाम बताएगा या बताएगी। आफ्टर दैट
उसके बाद ही और शी, वह लड़का या वह लड़की, विल टेल अस, वह हमें बताएगा या बताएगी, व्हाट ही और शी लाइक्स, वह क्या पसंद करता है या फिर वह क्या पसंद करती है। ओके ठीक है, मैम ने कहा ओके मतलब ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोहन, जैसे उंगली करके मैम बोलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोहन, सबसे पहले मोहन, लेट अस नो, ये लेट्स नो, चलो जानते हैं, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो। तो उनमें से बोल वो मैम ऐसा बोलती है कि सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल, आज हम एक दूसरे के साथ हमारी पसंद और नापसंद शेयर करना चाहेंगे, क्या तैयार हो। सबसे पहले हर एक स्टूडेंट खड़ा होगा और सबसे पहले वो अपना नाम बताएगा, उसके बाद वह बताएगा या बताएगी अपनी पसंद या नापसंद बताएगा, उसके बाद आपको क्या करना है। इनमें से उन्होंने बहुत सारे बच्चे बैठे थे, उसमें मैम ने कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मोहन, सबसे पहले मोहन, लेट्स नो व्हाट डू लाइक, चलो ये जानते हैं कि आप क्या पसंद करते हो। तो इतने में आपकी भी पसंद नापसंद इनमें से हो सकती है। तो मोहन बोलता है, वन बाय वन सारे स्टूडेंट खड़े हो रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं। तो इस तरह से मोहन बोलता है, क्या बोलता है, हेलो आई एम मोहन, हेलो मैं मोहन हूँ, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो पहले उसने खड़ा हुआ, अपना नाम बताया, फिर उसने अपनी लाइक्स बताए। तो उसने क्या कहा, हेलो आई एम मोहन, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, हेलो मेरा नाम मोहन है और मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। फिर उसके बाद सरला खड़ी होती है और सरला कहती है, माई नेम इज़ सरला, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, मेरा नाम, देखो अब अपना नाम आई एम से भी बता सकते हैं, माई नेम इज़ करके भी बता सकते हैं, दोनों तरीके यहाँ पे यूज़ हुए। तो इसने कहा है कि आई एम या माई नेम इज़ सरला, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, फिल्में देखना पसंद है। इतने में जॉन खड़ा होता है और जॉन कहता है, आई एम जॉन, आई लाइक रीडिंग पोइट्री, पोइट्री होता है कविता है, कविता, और रीड मतलब पढ़ना, तो रीडिंग लाइक के बाद वर्ब आ जाती है तो आपको आई एन जी एड करना है, आई लाइक और आई एन जी वाली वर्ब ही बोलनी है आपको। ओके आई लाइक ईटिंग, आई लाइक डांसिंग, इस तरह से आई लाइक के बाद वो आई एन जी की वर्ब आपको जोड़ देनी है। ऐसे नीचे बहुत सारे आई एन जी की वर्ब हमने दी है, देखिए इधर 27। तो सरला क्या कह रही है, माई नेम इज़ सरला, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, मेरा नाम सरला है, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है। इतने में जॉन खड़ा होता है, जॉन कहता है, आई एम जॉन, आई लाइक रीडिंग पोइट्री, मैं जॉन हूँ और मुझे कविताएं पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग पोइट्री। इतने में जेसी नाम का एक लड़का होता है, वो कहता है, माई नेम इज़ जेसी, आई लाइक गेटिंग वेट इन रेन्स, मेरा नाम जेसी है और मुझे बारिश में भीगना पसंद है। किस किस को पसंद है आप लोगों में से बारिश में भीगना, डेली नहीं, जो फर्स्ट बारिश होती है, आप जो सेकंड जब अपन उसको सहन कर पाए तब तक आप किसको भीगना पसंद है। समझ गए होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, आई लाइक गेटिंग वेट इन रेन्स, क्या बोलेंगे, आई लाइक गेटिंग वेट इन रेन्स। जेसी क्या बोला, माई नेम इज़ जेसी, आई लाइक गेटिंग वेट इन रेन्स, मेरा नाम जेसी है और मुझे बारिश में भीगना पसंद है। उसके बाद राधा, राधा क्या बोलती है, आई लाइक सॉरी आई एम राधा, पहले उसने अपना नाम बताया, मैं राधा हूँ, आई लाइक लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूज़िक, आई लाइक लिसनिंग, मुझे सुनना पसंद है, किसको, क्लासिकल म्यूज़िक यानी शास्त्रीय संगीत, मुझे शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है। किसने कहा, किसने कहा शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है, जो ढोल तबला पर बजाए जाते हैं ना वो क्लासिकल म्यूज़िक, वो राधा कह रही है, आई एम राधा, आई लाइक लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूज़िक, मेरा नाम राधा है और मुझे शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है। इतने पिंटू खड़ा होता है, देखो पिंटू क्या कह रहा है, माई नेम इज़ पिंटू, आई लाइक ट्रैवलिंग बाय एयर। अब देखो पिंटू ने क्या कहा,
मेरा नाम पिंटू है और मुझे हवाई यात्रा करना पसंद है। आई लाइक ट्रैवलिंग बाय एयर। मुझे हवाई जहाज में यात्रा करना पसंद है। तो क्या कहा उसने? आई लाइक ट्रैवलिंग बाय एयर। ओके, चलिए अब आसिफ क्या कह रहा है। आई एम आसिफ, मैं आसिफ हूँ। आई लाइक मिक्सिंग विद पीपल, बहुत ही बढ़िया है ये। आई लाइक मिक्सिंग विद, अगर आप सोशल है तो ये बहुत ही अच्छा लाइक है आपका। आई लाइक मिक्सिंग विद पीपल, मुझे लोगों में घुलना मिलना पसंद है। और इसने एक लाइक और बताई यहाँ पे। आई ऑल्सो लाइक गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, मुझे सुबह सुबह उठकर घूमना भी अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी लाइक्स इसने बताई है। आई लाइक मिक्सिंग विद पीपल एंड आई ऑल्सो लाइक गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मुझे लोगों में घुलना मिलना भी पसंद है और सुबह सुबह घूमना भी पसंद है। घुलना मिलना और घूमना दोनों ही इनको पसंद है। उसके बाद रेहाना जो होती है वो आसिफ की बहन होती है, उसी क्लास में बैठी रहती है। तो ये कहती है, आई एम आसिफ्स सिस्टर, एप्रोस्ट्रोपियस इनलाइक आसिफ की बहन। आई एम आसिफ्स सिस्टर रेहाना, मैं आसिफ की बहन रेहाना। आई लाइक कुकिंग पीपल, नो आई लाइक कुकिंग पीपल नहीं है, आई लाइक कुकिंग फूड, मुझे खाना पकाना पसंद है। लोगों को पकाने ही नहीं, मुझे खाना पकाना पसंद है। आई लाइक कुकिंग पीपल, नो आई लाइक कुकिंग फूड, मुझे खाना पकाना पसंद है। आई लाइक कुकिंग फूड बट आई डोंट लाइक एनी बडी टेलिंग लाइज, लेकिन कोई झूठ बोले मुझे पसंद नहीं। बट आई डोंट लाइक एनी बडी टेलिंग लाइज, यानी किसी का झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक एनी बडी टेलिंग लाइज, अगर कोई झूठ बोलता है तो मुझे पसंद नहीं। तो इसने क्या कहा देखो, ये पहले का, आई एम आसिफ से सिस्टर रेहाना, मैं आसिफ की बहन रेहाना हूँ। आई लाइक कुकिंग फूड, मुझे खाना बनाना पसंद है। बट आई डोंट लाइक एनी बडी टेलिंग लाइज, लेकिन कोई झूठ बोले यानी किसी का झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं, ये इसने कहा। आई डोंट लाइक एनी बडी टेलिंग लाइज। चलिए अब अनुराग क्या कह रहा है। अनुराग बोलता है, माई नेम इज़ अनुराग, मेरा नाम अनुराग है। आई लाइक गोइंग टू द पार्क, मुझे पार्क में जाना पसंद है। बट आई डोंट लाइक पीपल हु वेस्ट देयर वैल्यूएबल टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स, लेकिन मुझे, अब देखो यहाँ पे क्या मीनिंग, प्लेइंग कार्ड्स मतलब ताश खेलते हैं ना, ताश को बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स। तो इसने बहुत ही अच्छी लाइक बताई कि इसने कहा है कि आई लाइक गोइंग टू द पार्क, मुझे पार्क में जाना पसंद है। बट आई डोंट लाइक पीपल हु वेस्ट देयर वैल्यूएबल टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो अपना कीमती समय ताश खेलने में निकाल देते हैं। वैल्यूबल टाइम मतलब कीमती समय, हु वेस्ट देयर वैल्यूबल टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स, जो अपना कीमती समय जो होता है वो ताश खेलने में निकाल देते हैं। तो इसने क्या कहा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो अनुराग ने कहा, माई नेम इज़ अनुराग, मेरा नाम अनुराग है। आई लाइक गोइंग टू द पार्क, मुझे पार्क में जाना पसंद है। आप बुक में देख लीजिए, आई लाइक गोइंग टू द पार्क बट आई डोंट लाइक पीपल हु वेस्ट देयर वैल्यूबल टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स, मुझे पार्क में जाना तो पसंद है लेकिन मुझे वो लोग कतई पसंद नहीं है जो अपना कीमती समय, जो वैल्यूबल टाइम है, वो ताश खेलने में निकाल देते हैं। ओके, चलिए आगे चलते। अनुराधा क्या कह रही है। आई एम अनुराधा, मैं अनुराधा हूँ। आई लाइक नीटिंग, नीटिंग में के साइलेंट है, इसके को नहीं बोलना है, ये साइलेंट है। तो आई लाइक नीटिंग, यहाँ से प्रोनंसिएशन होगा नीटिंग, नीट मतलब बुनते, स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना सिलाई से, तो वो सिलाई वो दो होती है सिलाई, उनसे स्वेटर वगैरह ऊन से बुनते हैं। तो आई लाइक नीटिंग, मुझे बुनना पसंद है। बट आई डोंट लाइक वेटिंग इन क्यू, मुझे लाइन में खड़े रहना पसंद नहीं। क्या कहा, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है वेटिंग इन क्यू, मुझे लाइन में इंतज़ार करना पसंद नहीं। अब देखो क्यू, ये जो क्यू है, क्यू मतलब कतार या लाइन को बोलते हैं। अब इसमें बोला क्या गया, अब इसमें बोला केवल इस क्यू को गया, क्यू यूई रह गए, ये यूई रह गए, इसमें जो यूई है ये यूई रह गए। बोला किसको गया, केवल क्यू को, ये यूई रह गए, इनको नहीं बोला। तो आई डोंट लाइक वेटिंग इन क्यू, मुझे लाइन में खड़े रहना, कतार में खड़े रहना या कतार में इंतज़ार करना पसंद नहीं। तो क्यू की स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे, ये यूई रह जाएंगे, इनको कोई बोलना ही नहीं है, केवल क्यू को आपको इसमें बोलना है, क्यू मतलब
कतार जो लाइन लगती है ना उसको क्यू बोलते हैं। फिर लास्ट इसमें 11 नंबर का है प्रमोद, तो प्रमोद कह रहा है कि माय नेम इज़ प्रमोद, मेरा नाम प्रमोद है। और इसने ये कहा आई लाइक गोइंग टू जिम, मुझे जिम यानी जहाँ कसरत व्यायामशाला जो होती है वो जिम जाते हैं ना बॉडी शॉडी बनाने के लिए, तो आई लाइक गोइंग टू जिम, मुझे जिम जाना पसंद है। बट आई डोंट लाइक बॉयज़ यूजिंग गुटखा पाउच, लेकिन मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो गुटखा पाउच यूज़ करते हैं। तो इसने कहा आई लाइक गोइंग टू जिम बट आई डोंट लाइक बॉयज़ यूजिंग गुटखा पाउच, मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो गुटखा पाउच यूज़ करते हैं। ये किसने कहा? प्रमोद ने कहा। तो इसमें बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस आए हैं, आप भी इनको लर्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आई लाइक करके और ing की वर्ब बोलनी, तो ऐसे और भी कलेक्शन यहाँ पे आपको दे रखा है जो प्रैक्टिकल वोकैब के नाम से दे रखा है। ये वाले जो प्रैक्टिकल लेसन थे और प्रैक्टिकल वोकैब, हर लेसन में दिए हमने प्रैक्टिकल वोकैब और प्रैक्टिकल लेसन। तो देखिए प्रैक्टिकल वोकैब बहुत ही ईजी हैं, 27 आए हैं, तो देखिए इनको पढ़ते हैं हम। कुकिंग, खाना पकाना, अगर आपको कहना है मुझे खाना पकाना पसंद है, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक सर्विंग, आई लाइक सोइंग, आई लाइक ड्राइविंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक वर्किंग, आई लाइक राइटिंग, आई लाइक क्लाइंबिंग, आई लाइक साइलिंग, आई लाइक साइकिलिंग, आई लाइक रेसलिंग, आई लाइक रीडिंग, आई डोंट लाइक ट्रेवलिंग, लाइक डोंट लाइक से बोल सकते हैं। फिर इधर डोंट वाला जोड़ लो आप, आई डोंट लाइक फिशिंग, आई डोंट लाइक रेसलिंग विसलिंग, आई डोंट लाइक टॉकिंग, आई डोंट लाइक स्टडिंग, आई डोंट लाइक चैटिंग, आई डोंट लाइक स्कीइंग, आई डोंट लाइक स्कीपिंग, आई डोंट लाइक स्केटिंग, आई डोंट लाइक रनिंग, आई डोंट लाइक क्वारलिंग, आई लाइक सर्फिंग, आई लाइक डांसिंग, आई डोंट लाइक वॉकिंग, आई डोंट लाइक ड्रॉइंग। तो लाइक और डोंट लाइक से आप इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इनका मतलब क्या है। कुकिंग, कुकिंग मतलब खाना बनाना, और सर्विंग मतलब परोसना, जो खाना बन जाता है उसको परोसते हैं तो सर्विंग। तो बहुत सारे से बोलते हैं आई लाइक कुकिंग बट आई डोंट लाइक सर्विंग, आई लाइक सर्विंग बट आई डोंट लाइक कुकिंग, ये अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। अब सिलाई मशीन जो होती है, सिलाई करने को कहते हैं सोइंग, आई लाइक सोइंग। सोइंग मतलब क्या होता है? सोइंग मशीन है ना घर में आपके, सोइंग मशीन देखना और सिलाई मशीन के ऊपर सोइंग मशीन लिखा हुआ होता है। सोइंग का मतलब क्या होता है? सिलाई करना, सोइंग। उसके बाद गाड़ी चलाना आप जानते ही हो, ड्राइविंग, ठीक है। तैरना स्विमिंग जानते हो, काम करना वर्किंग, लिखना राइटिंग, ये ing क्योंकि आई लाइक के बाद इनको बोलना है आपको, ठीक है। आई लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है, आई डोंट लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद नहीं है, इस तरह से। क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, सेलिंग मतलब नाव चलाना। देखो नाव, क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है? चढ़ना। और सेलिंग, सेलिंग का मतलब क्या हो गया? नाव चलाना। नाव चलाने को क्या कहते हैं? सेलिंग। और साइकिल चलाने को क्या कहते हैं? साइकिल चलाने को हम कहते हैं साइकिलिंग, क्या कहेंगे? साइकिलिंग। और कुश्ती लड़ने को कहते हैं रेसलिंग, रेसलिंग यानी WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, इस तरह से। रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, और ट्रेवलिंग मतलब यात्रा करना। फिर इधर इधर आप देखिए, मछली मारना फिशिंग, आई डोंट लाइक फिशिंग, मुझे मछली मारना पसंद नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सीटी बजाना, सीटी बजाने को कहते विसलिंग, विसलिंग मतलब सीटी बजाना, आई डोंट लाइक विसलिंग, डू यू लाइक विसलिंग, ओके। टॉकिंग, बातचीत करना, आई लाइक टॉकिंग। स्टडिंग, पढ़ाई करना, आई लाइक स्टडिंग। चैटिंग, गपशप करना। स्कीइंग, बर्फ पर खेलना, डू यू लाइक स्कीइंग, क्या आपको बर्फ पर खेलना पसंद है। फिर स्कीपिंग, स्कीपिंग मतलब रस्सी कूदना, जैसे एक रस्सी ले लेते हैं फिर अपने आप को पूरा ऊंचा उठाते, रस्सी अपने नीचे से जाती पैर के नीचे से, ऐसे बहुत सारे आपने बचपन में खेले होंगे, तो वो रस्सी कूदने को हम क्या कहते हैं? स्कीपिंग। एक स्पीकिंग मतलब बोलना, स्कीपिंग मतलब रस्सी कूदना, ओके। उसके बाद स्केटिंग, स्केटिंग करना जानते हो, जैसे वो जूते आते हैं पहियों वाले, वो चलाते हैं, स्केटिंग करते हैं ना, आप मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, आप भी घर पे कभी ला रखे होंगे, आपके घर में भी होंगे, तो वो स्केटिंग के स्पेशल शूज़ वगैरह आते हैं, ओके। फिर उसके बाद रनिंग, तो जानते ही हैं दौड़ना, रनिंग। झगड़ना या लड़ना, झगड़ना क्वारलिंग, लड़ना या झगड़ना क्वारलिंग। फिर सर्फिंग, लहरों की सवारी, आपने देखा होगा नेशनल जियोग्राफी चैनल पे ऐसे लहरों पे सवारी करते हैं वो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्फिंग। डांसिंग, नाचना।
वॉकिंग चलना और चित्रकारी करना ड्राइंग। अगर आपको नहीं पता चले लहरों की सवारी क्या होती तो आप अपने गूगल पे टाइप कर लीजिए सर्फिंग, तो इमेज देख लेना कि कैसे सर्फिंग होती है, इमेज में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद एक नीचे बहुत ही बढ़िया थॉट है, अध्यापन एक सम्माननीय पेशा है, तो टीचिंग इज़ एन ऑनरेबल प्रोफेशन। अध्यापन यानी कि शिक्षण जिसको इंग्लिश में कहते हैं, टीचिंग है इज़ एक सम्माननीय पेशा एंड ऑनरेबल, इसको ऑनरेबल नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑनर ओ से बोलेंगे ऑनरेबल, और पेशा को क्या कहते हैं प्रोफेशन। तो टीचिंग इज़ एन ऑनरेबल प्रोफेशन, यानी कि अध्यापन एक सम्माननीय पेशा है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ना है, ये 27 को आई लाइक से जोड़ना है और दूसरे राउंड में आई डोंट लाइक से जोड़ना है। एक राउंड तो आप ऐसा कर लेना, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक सर्विंग, आई लाइक सोइंग, आई लाइक ड्राइविंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक वर्किंग, आई लाइक राइटिंग, आई लाइक क्लाइंबिंग, आई लाइक सेलिंग, आई लाइक साइकिलिंग, आई लाइक रेसलिंग, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक फिशिंग, आई लाइक विसलिंग, आई लाइक टॉकिंग, आई लाइक स्टडिंग, आई लाइक चैटिंग, आई लाइक स्कीइंग, आई लाइक स्किपिंग, आई लाइक स्केटिंग, आई लाइक रनिंग, आई लाइक क्वारलिंग, आई लाइक सर्फिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक ड्राइंग। फिर दूसरे राउंड में ऐसे ले लेना, आई डोंट लाइक कुकिंग, आई डोंट लाइक सर्विंग, आई डोंट लाइक सोइंग, आई डोंट लाइक ड्राइविंग, आई डोंट लाइक स्विमिंग, इस तरह से आपको लास्ट तक 27 तक ले लेना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।